बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई, जिसे सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन वाइट कढ़ाई के लिए हम 1 किलो मुर्गी लेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे हम इसमें। अब इसके बाद हम तकरीबन 2 कप पानी डालेंगे इसमें। 2 खाने की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें हम। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें अब अच्छे तरीके से। अब इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ढक देंगे ताकि मुर्गी हमारी गल जाए और इसका पानी खुशक हो जाए। पानी तकरीबन हमारा खुशक हो चुका है, अब इसमें हम बाकी सामान डालते हैं। अब इसमें हम 1 कप दही शामिल करेंगे। 3 से 5 अदद बड़ी हरी मिर्च डालेंगे हम इसमें और 1 अदरक के टुकड़े शामिल करेंगे इसमें हम। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं इसमें। ये सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक ढक देंगे ताकि दही का पानी भी खुशक हो जाए। दही का पानी खुशक हो चुका है, अब इसमें हम सफ़ेद पिसा ज़ीरा शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच पिसी काली मिर्च शामिल करेंगे। सफ़ेद मिर्च, इसको दखनी मिर्च भी कहते हैं, 1 चाय का चम्मच है पिसी हुई। पिसा खोपरा 1 खाने का चम्मच डालेंगे। कोटा साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। अब इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये तमाम मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं, अब इसको हम 3 से 5 मिनट तक ढक देंगे। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप कोई सी भी कंपनी की फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं इसमें। क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए ढक दीजिए। क्रीम डालने के बाद आप ज़्यादा मत पकाइएगा। अब इसमें हम ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी अदरक के टुकड़े डालेंगे। जी नाज़रीन, चिकन वाइट कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छे तरीके से आया है इसका और बहुत ही मज़ेदार लग रही है खाने में ये। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।